हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश और मैं आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग को। तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग ये जो टॉपिक है हमारा बेसिक टॉपिक, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ओल्ड पैटर्न, एक होता है ओल्ड पैटर्न और दूसरा होता है न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न के मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो इसके पहले दिए हुए हैं आपको। अगर आपने उन 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे उसकी लिंक दे दी है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। उसको देखने के बाद में जो है आपको न्यू पैटर्न पे जंप करना है। जो कुछ भी चीजें मैंने वहां पे आपको समझाई है उन चीजों को आप समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। आपको सारी चीजें वहां पे समझ में आ जाएंगी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैंने वहां पे आपको बताए हुए हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप वहां पे जाके देख लीजिए, उसके बाद में आपको न्यू पैटर्न पे जंप करना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ न्यू पैटर्न के बारे में। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में इसका ये इंट्रोड्यूस हुआ था IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशंस में। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था उस एग्जामिनेशंस में ये न्यू पैटर्न फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से अभी चलते हुए आज तक ये पूछा जा रहा है एग्जामिनेशंस में। ओल्ड पैटर्न में जो हम कॉमन एलिमेंट्स निकालते थे, जैसे कि आपने देखा है ओल्ड पैटर्न में जो आप कॉमन एलिमेंट्स निकालते थे, वो कॉमन एलिमेंट्स अभी न्यू पैटर्न में नहीं निकलेंगे। फाइन, अगर नहीं निकलते हैं तो वो आपको समझ लेना है कि न्यू पैटर्न आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का वो क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। इस वीडियो में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, बीच में से वीडियो को स्किप मत कीजिए, वरना बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको अपना माइंड जो है वो ब्लैंक कर देना है। माइंड में कुछ चल रहा होगा आपके, वो सारा का सारा जो है थॉट वगैरह निकाल के बाहर फेंक दीजिए। माइंड को आपको अपने ब्लैंक रखना है ताकि जो कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताऊं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए जो है फिट बैठी रहे। तो चलो, तो देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चंस आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। फाइन, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चंस वो लोग एग्जामिनेशंस में नहीं पूछते, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिया हुआ है। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। गेम यू दे नो 37 39 42 74। ओके, गेम यू दे नो इज रिटर्न एज 37 39 42 74। लक गिव फॉर रूइन इज रिटर्न एज, यहाँ पे मैंने वो रिटर्न एज वाला पोर्शन को अभी यहाँ पे डिलीट कर दिया है, 38 53 57 एंड 61। इस टाइप से यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनके राइट साइड में उसके कोड्स दिए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि हम ओल्ड पैटर्न में इसके कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे निकालते थे, यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे वर्ड आपका कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। राइट, कोई भी वर्ड आपको कॉमन नहीं दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाना है कि ये जो क्वेश्चन है ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग वाला है भाई। फाइन, ये जो क्वेश्चन है ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग वाला आपका क्वेश्चन है, जहां पे आपको जो है कॉमन एलिमेंट्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे लाइक योर ओल्ड पैटर्न। तो देखिए इसको किस टाइप से आपको सॉल्व करना है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है पावर बनाए रखिए और इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोड हो रहा है गेम यू देनो ये किस टाइप से हो रहा होगा, मतलब जो जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है उसने ये कोड को किस टाइप से जो है बनाया होगा। गेम यू देनो, ये एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो आपकी काम में आने वाली है। ए टू जेड अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी जो है यहाँ पे काम में आने वाली है। इस अल्फाबेटिकल सीरीज को किस टाइप से मैंने लिखा है ये एक बार आपको बता देता हूं।
ये जो बेसिक चीजें हैं ये बताना आपको बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक ऊपर के 13 एलिमेंट्स मैंने ऊपर लिए हुए हैं और 13 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे नीचे लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो ऊपर में ब्लू कलर से मैंने नंबरिंग की हुई है ये फॉरवर्ड वाली नंबरिंग है, राइट। मतलब कि ए जो है इस अल्फाबेटिकल सीरीज में एक नंबर पे आता है, बी जो है दो नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे, लाइक वाइज। ओके फाइन। और ये जो ग्रीन नंबर की नंबरिंग है मैंने ये रिवर्स ऑर्डर में दी हुई है, मतलब जेड जो एंड होता है वहां पे मैंने एक लिया हुआ है, और इस टाइप से नंबरिंग करते करते ये ए है 26 नंबर पे आपका आ जाता है, इस टाइप से ये चल रहा है। तो आपको भी जैसे ही रफ शीट्स मिलती है उस टाइम पे ये लिख लेना है आपके रफ शीट्स में, अगर वो अलाउ करते हैं तो पहले लिखिए, अगर नहीं करते तो एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने के बाद में ये आपको लिखना है। देखिए अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत सारा टाइम जो है, मिनिमम इसको 30 सेकंड, तो 35 30 सेकंड या 35 सेकंड आपको यहाँ पे लगने वाले हैं ये लिखने के लिए फटाफट। फाइन। अगर आपको लगता है कि ये 35 सेकंड भी मेरे बच जाए तो आप इसको रट लेना, पूरा का पूरा रट लेना। रटने वक्त थोड़ा सा मैं आपको बता देती, देखिए यहाँ पे ऊपर की जो नंबरिंग है ये कैसे रटेंगे, आपको M13 ये ध्यान में रखना है, जो M अल्फाबेट है वो 13 नंबर पे आता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। तो देखिए अगर इसको आप ध्यान में रखते हो तो ये ब्लू वाली नंबरिंग बता रहा हूं मैं, इसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप I का भी निकाल सकते हो। कैसे, M13 नंबर पे आता है, M के कितने लीटर पहले I आता है, तो 4 नंबर पहले I आता है, तो 13 से अगर आप 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो I का जो फॉरवर्ड में नंबर आता है वो 9 है। ई तक तो आपको ध्यान में रख सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है, ई तक ध्यान में रखना। फाइन। अगर आपको निकालना है मान लो सपोज कि पी कितने नंबर पे आता है फॉरवर्ड में, मतलब सीधा सीधा पी जो है कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता है एम 13 नंबर पे आता है, एम के बाद में अगर आप अल्फाबेट छोड़ेंगे तो 3रा नंबर पे एम के बाद पी आता है, मतलब 13 और 3 मतलब 16 नंबर पे पी आता है। इस टाइप से आप ऊपर की जो नंबरिंग है फॉरवर्ड वाली उसको ध्यान में रख सकते हैं। और नीचे वाली देखिए आप कैसे ध्यान में रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। फाइन। ये जो ग्रीन नंबर में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उसको आप कैसे ध्यान में रखोगे, उसको ध्यान में रखने के लिए आपको एक यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है, वो ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे के जो दो नंबर से उसकी अगर मैं एडिशन करता हूँ कौन से भी लेटर की, राइट, कौन सा भी यहाँ पे अगर मैं अल्फाबेट लेता हूँ तो कौन से भी दो लेटर के ऊपर और नीचे वाली रिवर्स और फॉरवर्ड वाली की एडिशन अगर मैं करता हूँ तो उसकी एडिशन आती है टोटल 27, इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। देखिए यहाँ पे 26 प्लस 1 27। फाइन। यहाँ पे 20 प्लस 7 27, यहाँ पे देखिए 18 प्लस 9 27। ओके। यहाँ पे देखिए 17 प्लस 10 27, तो इस टाइप से 27 जो है इसके एडिशन आती है। अभी नीचे का नंबर कैसे पता करोगे आप, देखिए 27 जो नंबर है उसमें से ये ऊपर वाला अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मान लो सपोज के का निकालना है मेरा रिवर्स ऑर्डर में, के का है फॉरवर्ड में 11, अगर मैं यहाँ से 11 माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ पे बचता कितना है 16, तो देखिए यहाँ पे 16 आ गया। फाइन। तो 27 से जो है ऊपर का नंबर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे नीचे का नंबर आपको मिल जाएगा, तो इस टाइप से आपको इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हो ये किस टाइप से कोड हो रहे हैं, इसका यूज करके ही आपको ये जो है नए पैटर्न को न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना है। गेम यू देनो, इसको आप कैसे, ये कैसे कोड हो रहा होगा, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स वो अप्लाई कर सकते हैं, ये पहले ही आपको मैं जो है बता देता हूँ। देखिए गेम हम लोग चेक करते हैं GAME, जी कौन से नंबर, कौन से भी जो जी कौन से नंबर पे है, यहाँ पे देखिए जी है 7 नंबर पे, तो चलिए जी 7 नंबर पे है। ए कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो चलिए एक ए जो है 1 नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एम है 13 नंबर पे और ई है 5 नंबर पे, तो इसकी अगर मैं एडिशन कर लेता हूँ तो है क्या यहाँ पे कोई, कितना होता है देखिए, ये हो गया 13 और 7 20 और ये 26 26 26 यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं है, मतलब ये जो है इसका एडिशन यहाँ पे उन्होंने कोड नहीं किया हुआ है। चलिए दूसरा कोई यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हम लोग।
फर्स्ट लेटर है वो कोड हो रहा है क्या, मतलब जी हो सात नंबर पे यहाँ पे सात है क्या, नहीं लास्ट नंबर कोड हो क्या, ई जो है पांच नंबर पे, यहाँ पे पांच भी नहीं है, सारे के सारे नंबर यहाँ पे जो है 74 लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये थोड़ा बड़ा कोड उन्होंने किया हुआ है। आपका आया 26, तो 26 तो यहाँ पे है नहीं, तो और कोई दूसरा कोड उन्होंने अप्लाई किया होगा, मतलब एडिशन ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे हो नहीं रहे। अगर ये 26 को मैं 100 से माइनस कर दूँ, 26 को 100 से माइनस कर दूँ, तो ये कितना बच जाता है, 4 और ये 7 और ये 0, 74। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप 74 प्रेजेंट है, मतलब ये लॉजिक लग सकता है, लगेगा ऐसा ही नहीं। आपको अभी क्या करना है, ये तीन इसमें क्रैक होना चाहिए, तीन वर्ड्स में ये जो है ये सेम लॉजिक क्रैक होना चाहिए। कौन सा लॉजिक, एडिशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 100, एडिशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 100। तो मैंने एक तो कर लिया उसका तो आया, और दो करने हैं, ये दो कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी मतलब यहाँ पे जो उन्होंने दिए हुए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट से कोई भी तीन आपको लॉजिक जो है क्रैक कर लेना है। तो अगर ये तीन लॉजिक सेम आते हैं तो आपको समझ लेना है कि वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। चलिए दूसरा वर्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर। फॉर की एडिशन करके देखिए स्ट्रेट में, फॉरवर्ड में जो कितना है, एफ फॉरवर्ड में कितने नंबर पे है, एफ देखिए तो यहाँ पे 6 नंबर पे एफ है, ओ कितने नंबर पे है, तो यहाँ पे 15 नंबर पे ओ है, और आर कितने नंबर पे, तो यहाँ पे 18 नंबर पे जो है आर है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन इनके कितनी हो जाती है, 6 और 5 ये बन जाता है 11, 11 प्लस 8 ये जो बन जाता है 19, 9 लिख दे, यहाँ पे 3 हो गया 39, ये 39 बन गया है। अगर इसको मैं 100 से माइनस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना बचता है, ये 6 हो गए और ये 0, यहाँ पे बन गया आपका 61। तो देखिए यहाँ पे 61 भी प्रेजेंट है, दो इसमें कंफर्म हो गया, मैंने बोला था तीन, तो तीसरा कोई और ले लेते हैं हम लोग। चलिए कोई और ले लेते हैं यहाँ पे, विन ले लेते हैं, यहाँ पे विन को करके देख लेते हैं। डब्लू डब्लू ये जो नंबर है ये है 20, ये जो लेटर है ये है डब्लू 23 नंबर पे, यहाँ पे ई आई है यहाँ पे 9 नंबर पे, और एन जो है यहाँ पे है 14 नंबर पे। ओके इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, चलो इसकी एडिशन मैं करके देख लेता हूँ। ये 4 और 3 हो गया 7 और 9, 9 और 7 जो है मैं अगर करता हूँ तो ये हो जाता है 16, 6 1, ये 4, 46। 46 को अगर मैं 100 से माइनस कर लेता हूँ तो देखिए कितना आता है, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया और ये 0 आ गया, मतलब 54। देखिए यहाँ पे 54 भी प्रेजेंट है, मतलब तीन इसमें ये लॉजिक सेम लग रहा है, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कौन सा लॉजिक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हर क्वेश्चन में आपको उसका लॉजिक लिख लेना है, जब भी हम जो रियल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उस वहां पे लॉजिक आपको किस टाइप से लिखना है ये मैं आपको बता दूंगा, ताकि जो एग्जाम टाइम है उस टाइम पे आपको वो आराम से रिकॉल हो जाए। देखिए नोट क्या लिखना है, एडिशन एडिशन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, एडिशन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 100। ओके ये आपका लॉजिक बन गया, तो यही सेम लॉजिक अभी वहां पे अप्लाई हो रहा है। अभी तीन इसमें क्रैक हो गया, तो बाकी इसमें भी आप कंफर्म हो सकते हो कि ये सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट शुड बी द कोड फॉर वी, वी का कोड वो पूछ रहा है, तो कर लीजिए वी। डब्ल्यू कितने नंबर पे है, यहाँ पे 23 नंबर पे, फाइन 23 नंबर पे डब्ल्यू है, और ई है 5 नंबर पे, तो ये हो जाता है 28। अगर इसको मैं 100 से माइनस कर लेता हूँ तो ये बन जाता है 2, एन बन जाता है 7, 72, तो देखिए यहाँ पे 72 प्रेजेंट है। 39 का कोड क्या हो सकता है ये पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है अभी क्वेश्चन, ये 39 किसका कोड है, तो आपको फटाफट से जो है इसके एडिशन कर लेना चाहिए। फाइन सबसे पहले इस ये ऐसा इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो छोटे वाले नंबर है, जो छोटे वाले वर्ड्स है उसको पहले देख लेना है, मतलब तीन लेटर वाले। देखिए यू यहाँ पे मुझे मिल गया, तो यू का मैं कर लेता हूँ, वहां पे अगर यू का मैं कोड निकालने जाता हूँ तो वाई है आपका 25 नंबर पे, ओ है आपका 15 नंबर पे, और आपका यू है यहाँ पे 21 नंबर पे, Y O U, ये हो जाता है आपका 11, 1, 4, 5, 6, 61। अगर मैं 100 से इसको माइनस कर लेता हूँ तो ये आ जाता है आपका 39। फाइन तो आपका आंसर यहाँ पे Y O U U है। चलो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलो ऑलवेज सिंप्लिसिटी 29, 20, 44, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
33 28 25 22 41 always try so many 26 25 33 focus on your goal 25 29 43 19 fine. इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये कोड क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे में. तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपको अपने माइंड को स्ट्रेस देना है और यहाँ पे डिटेक्ट करने की कोशिश करनी है कि क्या कोड यहाँ पे बन रहा है. ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे, पर आपके समझने के लिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. उसके बाद में जो वीडियो हम बनाएंगे, ओके, ये इसके बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट टू में आपको जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखिए, फॉलो ऑलवेज सिंप्लिसिटी, सारे के सारे हम लोग यहाँ पे नंबर अगर ऑब्जर्व करते हैं ये तो बिलो 50 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब 50 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं दिखा रहा है. तो फॉलो ऑलवेज सिंप्लिसिटी किस टाइप से कोड हुआ होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको करके क्या देखना है, ये फर्स्ट और लास्ट का एडिशन करके देखिए. यहाँ पे F है 6 नंबर पे और W है 23 नंबर पे, ये हो गया 29. तो 29 देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है. मैंने बताया था आपको जैसे कि तीन इसमें यहाँ पे आपको क्रैक करके देखना है, सेम लॉजिक तीन इसमें अप्लाई होता है क्या, मतलब तीन वर्ड पे ये अप्लाई होता है क्या. दूसरा कोई भी वर्ड ले लीजिए, हम ले लेते हैं THE, ओके, चलो टी कौन से नंबर पे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो टी नंबर है 20 नंबर पे प्रेजेंट है. एच कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, तो एच यहाँ पे प्रेजेंट है 8 नंबर पे. और ई यहाँ पे प्रेजेंट है 5 नंबर पे. ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 33. तो देखिए 33 भी यहाँ पे प्रेजेंट है. चलिए गोल का करके देख लेते हैं, जी कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे. और एल कौन से नंबर पे है आपका, 12 नंबर पे. ये बन गया 9 और ये बन गया 1, मतलब 19. तो यहाँ पे 19 भी प्रेजेंट है. 29, 33 और 19, ये तीनों में ये लॉजिक जो है क्रैक हो गया, मतलब ये सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो आपको क्वेश्चन के नीचे ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सैंपल क्वेश्चंस आपके नोटबुक में, और उसके क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको नोट लिख लेना है. यहाँ पे हर क्वेश्चन का जो है आपका लॉजिक यहाँ पे नोट में आपको लिख लेना है, ताकि जब भी एग्जाम टाइम हो वहाँ पे आपको समझ में आ जाए. तो नोट यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ मैं, एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, ओके, ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. व्हाट विल बी द कोड फॉर डेस्टिनी, तो डेस्टिनी का कोड पूछ रहा है. तो फर्स्ट और लास्ट ऐड कीजिए, ये डी आता है 4 नंबर पे और वाई आता है आपका 25 नंबर पे, ये बन गया 29. ऑलवेज ट्रू कोडेड एज, ए है 1 नंबर पे, एस है आपका 19, मतलब ये हो गया आपका 20. और ट्रू है, टी है यहाँ पे 20 नंबर पे और ये 5, 25. 20 और 25 की कहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे देख लीजिए आप, 20 और 25 कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, 25 और 26 है, तो आपका आंसर यहाँ पे नन आ जाता है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हम लोग. मुंबई इज द फास्ट सिटी 31 17 13 5, बैंगलोर कंटेंस आईटी हब 24 16 16 33, अमृतसर हैविंग गोल्डन टेम्पल 10 28 20 एंड 42. इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. चलिए देख लीजिए कौन सा कोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो पहले सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया एडिशन ऑफ फर्स्ट लास्ट करके देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट है 13 नंबर पे और आई है यहाँ पे 9 नंबर पे, मतलब ये हो गया 13 और 9, ये आपका कितना बन जाता है 22 बन जाता है. 22 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये लॉजिक आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है. चलिए सभी जो यहाँ पे लेटर्स है उसका एडिशन हम लोग कर लेते हैं, हो सकता है वो कोड हो यहाँ पे. एम है 13 नंबर पे, या यही पे मैं जो है उसको कर लेता हूँ. आ है 9 नंबर पे, अगेन जो है यहाँ पे यू प्रेजेंट है आपका 21 नंबर पे, और 13 नंबर पे एम प्रेजेंट है, बी है 2 नंबर पे, ए है 1 नंबर पे, तो ये क्या बन जाता है आपका 3 और 2 5 और 6 और 7, 7 और 3 जो है 10 हो गए, ये 9, मतलब 19 प्रेजेंट हो गए. 3 4 5 59, मतलब 59 यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, तो 59 भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. अगर इसको 100 से मैं सबस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो वो जमता है क्या, देखिए ये हो जाता है 1. इसको अगर मैं यहाँ पे कैरी लेता हूँ तो ये हो जाता है 4, ये 41 भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है.
तो चलिए दूसरा लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। इसी टाइप से जो है आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे आपके लॉजिक्स आपके अंदर डेवलप होते जाएंगे। तो देखिए कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो नेक्स्ट लॉजिक अप्लाई करके देख लेते हैं। एम है यहाँ पे 13 नंबर पे, आय कौन से नंबर पे है, आय था हमारा 9 नंबर पे, बट देखिए ये 13 नंबर पे है एम। अगर आय का जो जो लास्ट वाला लेटर है उसका अगर मैं रिवर्स लेता हूं मतलब 18 इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना बन जाता है आपका 1, ये 31। देखिए यहाँ पे 31 बन गया, मतलब मुंबई का कोड 31 बन गया। क्या किया मैंने, इसका जो है रिवर्स फॉरवर्ड वाला लेटर और आई जो है लास्ट वाला लेटर उसका रिवर्स रैंक मैंने ले लिया, तो यहाँ पे 31 बन गया। दूसरा देख लेते हैं हब, कौन से भी तीन इसमें वो क्रियाक होना चाहिए। एच कौन से नंबर पे है आपका, तो एच है आपका यहाँ पे 8 नंबर पे। बी कौन से नंबर पे, जो बी है उसका रिवर्स वाला लेना है तो ये 25 नंबर पे प्रेजेंट है। ये कितना बन जाता है आपका, ये 13, ये 33, ये तो देखिए यहाँ पे 33 भी प्रेजेंट है। और एक आपको क्रैक कर लेना है, बाद में आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो टेम्पल देखिए टी कौन से नंबर पे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो टी है आपका 20 नंबर पे। ई कौन से नंबर पे प्रेजेंट है रिवर्स वाले में, तो ये 22 नंबर पे प्रेजेंट है, तो ये आपका बन जाता है 42, तो यहाँ पे 42 भी प्रेजेंट है। मतलब आप कन्फर्म हो सकते हो, यहाँ पे नोट लिख लीजिए या फिर लॉजिक करके आप लिख सकते हो। हर क्वेश्चन में आपको इस टाइप से लिख लेना है ताकि आपको अच्छे से मतलब रिविजन के टाइम में रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे मैं नोट क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ फर्स्ट लेटर एंड, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हो आप नोट। देखिए नोट, रैंक ऑफ फर्स्ट लेटर प्लस रिवर्स रैंक ऑफ लास्ट लेटर, ठीक है, ये नोट आपका यहाँ पे बन जाएगा। इस टाइप से आपको जो है बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। म्यूजियम देखिए एम कौन से नंबर पे है, तो 13, और एम जो है वो रिवर्स में हो यहाँ पे आपको दिख रहा है 14 नंबर पे, तो ये बन जाता है 27, तो 27 आपका आंसर। फटाफट आपको सॉल्व कर लेने हैं ये जो है क्वेश्चन। एस कौन से नंबर पे, तो एस है यहाँ पे 19 नंबर पे, और y जो है ये रिवर्स में 2 नंबर पे है, ये बन जाता है 21, तो ये 21 आपका आंसर हो गया। डियर जिंदगी, d कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो r कौन से नंबर पे है, r जो है रिवर्स में 9 नंबर पे है, 9 और 4 हो जाता है 13, ये 13 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जिंदगी का देख लीजिए, जिंदगी z कौन से नंबर पे है, तो ये 26 नंबर पे है, और i जो है वो रिवर्स नंबर पे 18 नंबर पे है, ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 14, 1, और ये 44, यहाँ पे 44 आ गया। और 13 और 44 किस में प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। इस टाइप से जो है ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ये हालांकि बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, सेकंड पार्ट आप जरूर देख लीजिए, वहाँ पे हम लोग एडवांस क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये समझने का तरीका पसंद आया होगा, राइट, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।